शायद बच्चे सरप्राइज देना चाहते थे इसीलिए बताया नहीं। तो सरोज को ये लगा कि उसके कहने पर कुसुम पार्लर गई होगी। रश्मि बेटा जाओ कुसुम को तैयार करो। मैं ले जाती हूँ दीदी को। तुमने अपना काम कर दिया है बड़ी बहू, बस अब रश्मि कर लेगी। जाओ रश्मि बेटा। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई हमसे कृष्णा जी? देखो आज ही लेके जाना था हमें। माँ को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई हमारी वजह से आज। क्या बोल रही है सयूरी, तुझे थोड़ी पता था कि दीदी को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जो भी है काना, लेकिन माँ को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ये जब उनका कॉल आ रहा था तो एक बार उठा के बोल देना चाहिए था ना। ये सरप्राइज देने के चक्कर में सबको शॉक लग गया अभी। रिलैक्स, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। तू नहीं समझेगा काना, तुझे पता ही नहीं कि माँ को कैसा फील हो रहा होगा। यार सयूरी, हम माँ को समझाने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ समझाएगा तू काना? उनका मान घटना नहीं चाहिए था ना उन सबके सामने। अरे यार तुम, हमारा मान कौन सा कोई इतना नाजुक है जो किसी के कुछ भी बोलने से घट जाएगा। काना तू इतनी लाइटली कैसे रख सकता है सारी बातें? तुझे पता है ना कि माँ को कितनी टेंशन रहती है दी की शादी को लेकर, और उनके रिश्ते में जरा से भी गड़बड़ी ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और हमें तकलीफ नहीं होगी क्या? हम करेंगे ऐसा कुछ जानबूझ के। जानबूझ के नहीं काना, लेकिन गड़बड़ होने वाली थी ना हमारी वजह से। हाँ तो ठीक है ना, अब क्या करना है? यहाँ पे झगड़ा करते रहना है या तैयार होके नीचे भी जाना है? चलना मेरे भाई, चल रेडी हो जा। माँ ने भी लड़की वालों को आज ही बुलाना था क्या? आज कॉलेज गए, फॉर्म भरा, फिर पढ़ाई की तैयारी भी शुरू करनी है। इतना सब कुछ करना है, सबके बीच लड़का देखना पता नहीं होगा कैसे होगा, समझ भी नहीं आ रहा है। ये सयोदय भी ना लेक्चरर है तो सबको पढ़ाई की सलाह देती रहती है। हम बहनों के भी पीछे पड़ी रहती थी, बाप के साथ भी शुरू हो गई। माँ इतनी परेशान थी ना दी, हमने देखा है उन्हें। और दी को ना एक बार माँ से पूछ लेना चाहिए था आपको कॉलेज जाने से पहले। रश्मि पहली बात, पढ़ाई के लिए उन्होंने हमसे नहीं, हमने उनसे कहा था। दूसरी बात, वो पूछना चाहती थी लेकिन कान्हा ने उन्हें मना कर दिया। और तीसरी बात, वो हमें वहां नहीं, हम उन्हें वहां लेकर गए थे क्योंकि हम पढ़ना चाहते थे। हमारे भाई भाभी है वो, इसलिए हमें क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। इसलिए उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने के बारे में सोचना भी मत। नहीं नहीं दी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आपकी खुशी हमें बहुत मैटर करती है, और माँ को तो सबसे ज्यादा। हम सयोदी के बारे में ऐसे ही नहीं कह रहे थे। हमने माँ को परेशान देखा, शर्मिंदा देखा, इसलिए कह रहे। बेचारी के पास तो कोई बहाने भी नहीं थे गेस्ट को बताने के लिए, जैसे तैसे संभाला और फिर आप लोग आ गए तो वो भी पकड़ा गया। तो उसमें गलती ना माँ की है ना हमारी है, इसलिए बात को अब यही खत्म करते। नमस्ते, हम कान्हा चौधरी इनके बेटे, और ये हमारी वाइफ सयूरी। Really sorry, हमारी वजह से दीदी लेट हो गई और आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं। अब चाय या शरबत क्या लेंगे आप? जी सब कुछ हो चुका है। तो फिर आप शिकंजी ले लीजिए। हाँ हाँ, इसके हाथ की शिकंजी पियेंगे ना तो एकदम चेहरे पे चमक आ जाती है। वो तो उसे देखकर ही खिल गया है। वैसे सरोज जी, आपकी बहू बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, बहुत लकी हम, ये हमें मिली। सिर्फ सुंदर ही नहीं, भाग्यशाली भी है जिसे हमारे कान्हा जैसा पति मिला। शहर के आधे से ज्यादा लड़कियों के रिश्ते आते थे हमारे कान्हा के लिए, लेकिन हमारे कान्हा ने इसे चुना। अब देखते हैं कि हमारा बेटा कितना लकी है। आपकी बेटी तैयार होके आए तब पता चले कि वो आपकी बड़ी बहू की जितनी सुंदर है या नहीं। देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सुंदरता की डेफिनेशन क्या है। मतलब हर एक का देखने का नजरिया अलग होता है। सुंदर तो हमारी दीदी बहुत है, चेहरे से भी और दिल से भी। दी खाना इतना यम्मी बनाती है, घर को इतने अच्छे संभालती है, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकती। और घर ही क्या, कोई रिश्तों को संभालना भी उनसे सीखे। लेकिन हमारा पिछला एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था इस मामले में। तो अगर आपकी खूबसूरती की डेफिनेशन कुछ वैसी है तो हमें लगता है आपकी बात यहाँ बन नहीं पाएगी। कान्हा,
हम भी अपने बेटे की बात से सहमत। भाई साहब आप तो बुरा मान गए, गायत्री का कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। वो तो सायुरी बिटिया की खूबसूरती देखकर उससे रहा नहीं गया, वरना हम यहाँ कुसुम की फोटो देखकर आए हैं। अब हमें पसंद थी तभी तो यहाँ आए हैं। मैं कुसुम दी को लेकर आती हूँ। अरे नहीं तुम रुको, हम लेके आते हैं उन्हें, तुम शिकंजी लाओ। कान्हा क्या कर रहा था तू वहाँ? क्यों जानबूझ के रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं माँ, हम ऐसा क्यों करेंगे, वो भी जानबूझ के। देखिए कोई शादी एक दिन का फंक्शन नहीं होता, दीदी को जिंदगी भर निभाना है, आगे जाके उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये बातें क्लियर करना अभी से अच्छा है। हम बस वही कर रहे थे। कान्हा क्या हो गया आजकल के बच्चों को, समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा जी कान्हा के नादानियों का असर हमारे हमारे कुसुम के रिश्ते पे ना हो या उसकी आने वाली जिंदगी पे ना हो। हाँ कौन है, आ जाओ। Ready? कान्हा जरा देख तो, सब ठीक लग रहा है ना? ठीक नहीं लग रहे हो आप, क्योंकि आप रॉकिंग लग रहे हो हमेशा की तरह। चले एक सेकंड। क्या हुआ? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड साथ चलेगी क्या? रश्मि नहीं, आपकी नर्वसनेस ऐसी सिचुएशंस में आपके साथ चिपक जाती है। जो भी ना कान्हा, हम तो डर गए। अरे रिलैक्स, कोई क्रिमिनल केस की हियरिंग नहीं है आपकी, शादी के लिए बात करने आए हैं। वो सिमिलर ही है, और तुझे अगर लड़की वाले देखने आते ना तो पता चलता क्या टेंशन होती है ये। चले ये है हमारी बेटी कुसुम। अरे खुश रहो बेटा, जीती रहो। प्यारी है और देखने में सुशील भी लग रही है। सिर्फ लग नहीं रही, सुशील है भी और बहुत संस्कारी भी हमारी बेटी। बेटा वो कॉलेज की फॉर्म के बारे में क्या बातें हो रही थी? हमारी ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट रह गई थी तो अब हम उसे पूरा करना चाह रहे हैं। उसी का फॉर्म भरने गए थे हम कॉलेज। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है। लेकिन बेटा इन सब का टाइम तो निकल गया है ना, अभी शादी के बाद तुम्हें फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने गायत्री जी। क्या है ना कुसुम बेटा, तुम्हारा होने वाला ससुराल बहुत बड़ा है। अब गायत्री जी के जेठ देवर, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, बहुत सारे लोग हैं परिवार में। अब परिवार की जिम्मेदारियां संभालोगी या पढ़ाई लिखाई करोगी? अब हमारा घर संभल जाता है क्योंकि घर चलाने के लिए तुम और हम है। अब तो रश्मि भी आ गई है, अब जो लोग नौकरी करते हैं उनसे तो कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हम। हर घर के कुछ नियम होते हैं बेटा, वो पालने पड़ते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा सरोज जी, हमारी घर की बहुएं रानियों की तरह रहती हैं। और वैसे हमारा परिवार इतना बड़ा है कि कभी किसी के बर्थडे, एनिवर्सरीज, पूजा, व्रत, त्योहार, ये सारे फंक्शंस तो लगे ही रहते हैं। और इन सब के बीच में इसे पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा? और एक बार बच्चा हो जाएगा तो बच्चे संभालेगी या किताबें? अब आंटी जी वैसे तो सगाई हमारी भी हो चुकी है, फिर तो हमें भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए ना। नकुल बेटा, बेटे और बहुओं में फर्क होता है। ठीक हो ना, सिर्फ थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, फिर I'm sure वो सब मैनेज कर लेंगी। आप चिंता मत कीजिए गायत्री जी, हमें हमारी बेटी पे पूरा भरोसा है। कितना भी बड़ा परिवार हो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगी, हम पूरी गारंटी देते हैं आपको। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे। हमारी बेटी आपके परिवार में चाय में शक्कर की तरह घुल जाएगी। क्या है ना, पढ़ाई नौकरी दिलवा सकती है, लेकिन एक बहू को ससुराल में सम्मान तभी मिलता है जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभाए। ये माँ को क्या हो गया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है काना। कुसुम दी की शादी के लिए टेंशन समझ सकती हूँ माँ की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी खुशियां नजरअंदाज कर दे। वो इस घर में जाके नहीं पढ़ पाएंगी,
इसलिए नहीं कि जिम्मेदारियां बहुत है या परिवार बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए कि कुछ सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, और ये आंटी नहीं चाहती है कि कुसुमदी पढ़े। ये फैमिली तुम्हें थोड़ी वियर्ड सी नहीं लग रही? पता नहीं कुसुमदी कैसे एडजस्ट करेगी इस फैमिली में। नकुल पर मां रिश्ता लाई है तो सोच समझ कर लाई होगी, हमें भरोसा रखना चाहिए उन पर अभी। वैसे आंटी जी आप, सॉरी आपके बेटे का नाम नहीं पता? ऋषि। ऋषि? ऋषि जी नहीं आए, अगर वो आ जाते तो दीदी से बात भी हो जाती, देख भी लेते एक दूसरे को। वो दरअसल यूएस में रहता है ना, तो जॉब की वजह से इतना बिजी रहता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे इतने साल विदेश में रहने के बाद भी उसने अपनी सभ्यता और संस्कार नहीं भूले। ओह, हमें नहीं पता था कि हमारे होने वाले जीजा जी यूएस में। मतलब दी, आप यहाँ घर से निकलोगी और सीधा यूएस लैंड करोगी, कहीं यूएस जाके हम सबको भूल तो नहीं जाओगी ना? अरे भूल क्यों जाएगी, वो थोड़ी ना यूएस जाएगी, वो तो हमारे साथ यहीं रहेगी। आपके साथ रहेगी मतलब? मतलब वहाँ कहाँ अकेली रहेगी विदेश में, हमारा बेटा तो पूरा दिन ऑफिस में रहता है और वो वहाँ बोर होगी, और वैसे हमारा बेटा साल में 2-3 बार तो चक्कर लगा ही देता है, और अब शादी हो जाएगी तो 4-5 बार लगा लेगा, और बहू कहाँ आना जाना करेगी, वो तो हमारे साथ रहेगी, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेगी, अपना परिवार संभालेगी। इसका मतलब आपका बेटा वहाँ रहेगा, काम करेगा, और हमारी बहन यहाँ घर पे काम करेगी। यही तो संसार का नियम है ना काना, कि पत्नी घर संभाले और पति काम। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको आपके बेटे की शादी करने की क्या जरूरत है? अगर घर पे काम करने के लिए कोई चाहिए तो कोई नर्स रख लीजिए, शेफ रख लीजिए, नौकर रख लीजिए, बेटे की शादी क्यों करवा रही है? काना चुप, तुम कहना क्या चाहते हो काना? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन किसी के घर का काम करने के लिए या किसी के घर की शोभा बढ़ाने के लिए शादी नहीं करेंगे। अगर अगर हमारी कोई बात बुरी लगे या बात कहने का तरीका गलत लगे तो उसके लिए हम पहले से ही माफी मांगते हैं। क्या पहले काना, जो तुमने कहना था वो तुम कह चुके, और जिस टोन में तुमने कहा है ना वो अच्छी नहीं थी। जो आपने कहा था ना उसके जवाब में ये कहना बहुत जरूरी था। काना बस कर, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। और हम भी छोटे नहीं हैं, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ, अगर 40-50 साल पहले ऐसी बातें होती होंगी, लेकिन अब नहीं, तब सिचुएशन अलग थी। हमारी बहन यहाँ क्यों रहेगी जब उसका हस्बैंड यहाँ होगा ही नहीं? तो क्यों, हम नहीं रहते अपने बेटे से दूर? जाना चाहे तो जा सकते हैं ना टिकट लेके, पर नहीं जा रहे क्योंकि हमारा परिवार यहाँ है। लेकिन आपके परिवार से जुड़ने के लिए, हमारी दीदी के लिए तो सबसे मजबूत कड़ी आपका बेटा ही होगा ना। जब आपके बेटे के साथ ही रिश्ता कच्चा रह जाएगा तो आपके परिवार के साथ कैसे पक्का हो जाएगा? क्यों रहेगा कच्चा, वो आएगा ना 4-5 साल में, और फोन पे तो बातें होती रहेंगी, और आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन वीडियो कॉल पे ऐसे रिश्ते मजबूत होते तो बात ही क्या थी। पति पत्नी का सही मायनों में रिश्ता तब मजबूत होता है जब वो साथ रहते हैं, एक दूसरे की नीड समझते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को हर रंग रूप में देखते हैं, और ऐसे दूर रहने से तो कब दिलों में भी दूरियां आ जाएंगी पता नहीं चलेगा। सयूरी ने बिल्कुल सही कहा। माना कि शादी दो परिवारों के बीच में होती है, सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं, लेकिन लड़का और लड़की के बीच में टिकेगी तभी तो दो परिवारों के बीच में भी टिकेगी ना। ये बात कोई सोचता ही नहीं है। सब यही सोचते हैं कि बेटे की शादी करवा दो, अच्छी सी बहू घर ले आओ, जो घर का काम करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाएगी, लेकिन हाँ उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही रिश्ता है ना, उसे ही अच्छे से स्ट्रांगली जुड़े रहना होगा, तभी तो बाकी रिश्ते जुड़े रहेंगे। ये सारी किताबी बातें होती है काना, हर लड़की को ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, उसे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब इसीलिए बोल रहा है क्योंकि तुम्हारी बीवी ये इस घर की बहू है, लेकिन हम उसे सिर्फ तुम्हारी पत्नी मानते हैं, और अगर हमारा बस चले तो वो भी ना माने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहू को इंसान ही नहीं मानते हैं। अरे कहीं घरों में तो वो अपनी हाउस हेल्प को, घर के नौकरों को निकाल देते हैं क्योंकि बहू घर आई है, वही घर का सारा काम करेगी। तो घर में बहू काम ना करे, रोटियां तोड़े, चारपाई तोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम करे, ऑफ कोर्स करे। हमारी बीवी को देख लीजिए, वो घर के सारे काम करती है, वो कॉलेज में पढ़ाने भी जाती है, वो हमारा बिजनेस भी संभालती है,
लेकिन वो ये सब करती है अपनी मर्जी से, ना ही उसे कोई जोर जबरदस्ती है, ना ही जब उसका मन ना हो तब उसे काम करने के लिए कहा जाता है। घर में माँ भी सारा काम संभालती है, किचन का सारा काम संभालती है, दीदी को सफाई करना पसंद है, घर साफ सुथरा रखना पसंद है, वो करती है, लेकिन जब उनका मन हो तब, जब उनका मन ना हो तो कोई उन्हें फोर्स नहीं करता। ये कोई नौकरी नहीं है, घर का काम अपने मन से किया जाता है, उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। गायत्री जी आप, काना ने कुछ गलत नहीं कहा सरोज, उसके हर शब्द के साथ हम सहमत है। हद हो गई ये तो, आपने घर बुला के बेइज्जत किया है हम लोगों को, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ये जैसे हम कोई नीच और अनोखी सोच रखने वाले हैं। जो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी ना हुआ हो, हम इस शहर के नामी और रईस लोग हैं, और इस आगरा में नहीं पूरे यूपी में हमारा नाम और काम नंबर वन है। हमारी घर की बहुएं राज करती हैं, आके कभी देखिए हमारे घर में कैसे ठाट से रहती हैं वो, और आप लोग तो हमें बिना बात के कुछ भी बोले जा रहे हैं। छोड़ो गायत्री, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, चलो उठो भाई साहब, चलते हैं। भाई साहब हमारी बात तो सुनिए, ये भाई साहब गायत्री जी हमारी बात तो सुनिए। भाई साहब गायत्री जी रुक जाइए, बच्चों की तरफ से हम माफी मांगते हैं। अब आपको तो पता है आजकल के बच्चे, हमारा जमाना अलग था, हम बड़ों के सामने कुछ भी नहीं बोलते थे। आपको तो पता होगा आपका बेटा तो अमेरिका रहता है, वहां पे तो हमने सुना है कि माँ बाप कुछ भी बोल देते हैं बच्चे पुलिस में चले जाते हैं। अब क्या करें, जमाना ही बदल गया है, हम हमारे बच्चों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। ये क्या हो गया माँ को, कैसे घर में हमारी दीदी की शादी करने जा रही थी, और कुसुम दी आपने क्यों नहीं कुछ बोला, बोलना चाहिए था ना कि आप ऐसी शादी के बारे में क्या सोचती हैं। हम क्या कहे काना, अगर माँ ने रिश्ता देखा है तो कुछ सोच समझ के ही देखा होगा ना। बहुत अच्छा रिश्ता देखा होगा दी, लेकिन अपने हिसाब से, पर लाइफ आपकी है, रिश्ता आपका है, शादी आपकी है, और निभाना भी वहाँ जाके आपको ही है, पसंद भी तो आपकी होनी चाहिए ना दी। कुछ नहीं तो सही, कम से कम सोच और विचार तो मिलने चाहिए, वरना जिंदगी भर एडजस्ट करते रह जाएंगे। दी लाइफ आपकी है तो फैसला भी आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। फिर आप क्यों कर रहे हैं दी, लाइफ उनकी तो फैसला भी उन्हीं का होगा ना, तो उन्हें डिसाइड करने दीजिए, आप क्यों आइडियाज दे रहे हो। क्या है ना, हमारा काना है ना थोड़ा अलग विचारों का है, और काना को तो बीवी भी ऐसी मिली है, वो भी लगभग ऐसी है, ऊपर से नौकरी करती है, लेकिन आपने देखा होगा हमारी बेटी, हमारी कुसुम ने चू तक नहीं की, नजरें झुका के बैठी थी, एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। हमारी कुसुम गाय है, आपके घर में जाएगी ना तो सारी जिम्मेदारियां हंसते हंसते निभाएगी। आप हमारे बेटे और बहू की तरफ ध्यान मत दीजिए, एक बार सोचिए, हमारी बेटी के बारे में सोचिए, बस इतना ही कहेंगे। आइडिया देने और जबरदस्ती थोपने में बहुत फर्क होता है रश्मि, हम नहीं चाहते कि दीदी को किसी भी बात के लिए फोर्स किया जाए, ना हम ना कोई और, कोई नहीं कर सकता ऐसा। और हम सब लोगों ने सुना कि उन लोगों की इस रिश्ते के बारे में क्या सोच है, वो दीदी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं की मर्जी चले, दीदी की कोई मर्जी ना हो। शांत हो जा खाना बेटा, अरे हम लोग कौन सा जबरदस्ती ब्याह करवा रहे हैं कुसुम की वहां पर, अरे शादी के लिए उन्हें जो चाहिए था उन्होंने कह दिया, और जो हमें ठीक लगा हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। और रही बहू की उनके पीछे जाने की बात, तो देखो बेटा घर में आए हुए मेहमान का नाराज होकर जाना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो हमारा कितना भी दिल दुखाए। अरे बेटा वो लड़के वाले हैं, दो चार बात सुनाते हैं तो सुनाए दो, हम लड़की वाले हमें तो संयम रखना पड़ता है ना बेटा। दादू सही गलत भी अब इसी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि लड़की है या लड़का। हाँ दादू आप भी तो लड़के वाले हैं ना, आपने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। अभी से जो लोग लड़का और लड़की बात कर रहे हैं वो आगे जाके क्या करेंगे, हमारे घर में वो इतना रौब झाड़ रहे थे, एक बार दीदी उनके घर चली गई तो सोचिए क्या होगा। बस करो तुम दोनों, काना पिछली बार तुम्हारी बीवी की वजह से और आज तुम दोनों की वजह से कुसुम के लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता चला गया।